नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल के दैनिक वेतन भोगियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिलेगा वर्क चार्ज स्टेटस। हिमाचल में PWD महकमे के टेंडरों पर रोक, 31 मार्च तक मनाही, 1 से 5 लाख तक की राशि वाले टेंडर रोके गए। CM सुक्खू बोले, OPS बहाली ही नहीं, कर्मचारियों का आत्मसम्मान भी होगा, सरकार कर्मचारियों को सभी देय लाभ समय पर देने को कृत संकल्प। विभाग मिलते ही बोले अनिरुद्ध, सभी कार्यों की तय होगी समय सीमा, धूलमूल रवैया नहीं होगा सहन। घुमारवी के विधायक राजेश धर्माणी बोले, सभी MLA को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। हिमाचल में कल से खिलेगी धूप, अगले 6 दिन साफ रहेगा मौसम, मैदानी इलाकों में धुंध शीतलहर का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन भोगियों से जुड़े मामले में अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने दैनिक वेतन भोगी पर 8 वर्ष पूरे करने पर वर्क चार्ज स्टेटस देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिका दायर करने से पहले के 3 साल का बकाया राज्य सरकार को अदा करना पड़ेगा। मुख्य न्यायाधीश AS सैयद और न्यायाधीश सबीना ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 6 मार्च 2021 को सूरज मणि की याचिका को स्वीकार किया था। हिमाचल प्रदेश के PWD महकमे के टेंडर जारी करने पर रोक लगा दी गई है। हैवीवेट PWD महकमा बीते कल ही विक्रमादित्य सिंह को दिया गया है। आज इस संबंध में विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से विभाग के ENC को एक पत्र भेजा गया। उसी में कहा गया है कि 31 मार्च तक 1 से 5 लाख की राशि वाले टेंडर जारी नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में ये भी कहा गया है कि इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। सुक्खू सरकार ने PWD मंत्री बने विक्रमादित्य सिंह हालांकि प्रदेश से बाहर है, वो एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से राजस्थान के जयपुर जा रहे हैं। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को सुक्खू सरकार की कल होने वाली बैठक में OPS का तोहफा मिलेगा। ये बात गुरुवार को सचिवालय में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने NPS कर्मचारियों को OPS के लाभ प्रदान करेगी, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ के साथ ही प्रदेश की सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान भी प्राप्त होगा। CM ने कहा कि कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं, उन्हीं के कठिन परिश्रम और सहयोग से राज्य सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को सही दिशा में क्रियान्वित कर सकती है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सचिवालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में आता है, इन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र से काफी ज्यादा फंडिंग भी होती है। ऐसे में इस विभाग में काम करने के लिए बहुत कुछ होगा और वो निष्ठा से अपने विभाग में काम करेंगे। विभागों में किस तरह से काम होगा, इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर काम शुरू किया जाएगा। सभी कार्यों के लिए समय सीमा तय की जाएगी और किसी भी तरह का ढुलमुल रवैया सहन नहीं किया जाएगा। सभी विभागों में टारगेट तय होंगे। सुक्खू कैबिनेट में जगह पाने से चुके घुमारवी के विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि सभी MLAs को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनसे बात करके ही ये फैसला उनकी सहमति से लिया है। राजेश धर्माणी ने कहा कि उन्हें खुशी इस बात की है कि उनके साथ कई वर्ष साथ बिताने वाले NSUI से लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस और कांग्रेस में रहे उनके साथ ही प्रदेश के CM के पद पर विराजमान हुए हैं। धर्माणी ने आज श्री नैना देवी मंदिर में परिवार सहित पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। हिमाचल में कल से मौसम साफ हो जाएगा। ताज़ा पूर्वानुमान में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मैदानी इलाकों में कल से धुंध और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले 11 से 13 जनवरी तक भारी बर्फबारी और 15 जनवरी तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान था, मगर मौसम इस बार अटखेलियां कर रहा है। इससे विभाग का पूर्वानुमान बार बार गलत साबित हो रहा है मगर मौसम इस बार अटखेलियां कर रहा है इससे विभाग का पूर्वानुमान बार बार गलत साबित हो रहा है अब तक अलर्ट के मुताबिक बारिश बर्फबारी नहीं हुई है।
पश्चिमी विक्षोभ बिन बरसे कमजोर नजर आ रहा है। शिमला सहित अन्य इलाकों में भी आज सुबह से ही धूप खिली हुई है। इससे पहले 4 जनवरी को अलर्ट जारी किया गया कि 6 और 7 जनवरी को प्रदेश में भारी बर्फबारी होगी। तब भी अलर्ट वाले दिन प्रदेश भर में धूप खिली रही थी। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।